हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस। तो देखिए, इसमें हम कुछ ले रहे हैं कि आपका प्लम्बिंग सर्विसेज का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है। क्वेश्चंस पेपर इस बार आएगा, तो हम इसमें ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो इनको देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप कह सकते हैं मॉड्यूल क्वेश्चंस ले रहे हैं, मॉडल क्वेश्चंस, कि इनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्लम्बिंग में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्लम्बिंग की पाइप व्यवस्था में अपशिष्ट जल कहाँ से निष्कासित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम जानते हैं कि प्लम्बिंग की पाइप अवस्था में हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ कहाँ से निकलता है। तो देखिए, रसोई घर, ऑब्वियसली रसोई घर से वेस्ट वाटर निकलता है। कहाँ से? सिंक से निकलता है। स्नान घर कहाँ से निकलता है? बाथ टब एंड ऑल दैट जो भी आपके रहते हैं वॉशरूम में, उन सारी चीज़ों से आपका वेस्ट वाटर निकलता है। वॉश बेसिन, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, आप जानते हैं कि ये सारे क्या हैं, यहाँ से क्या है अपशिष्ट जल निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये राइट आंसर होगा इसका, क्या? ये सभी, क्योंकि रसोई घर, स्नान घर एंड वॉश बेसिन, इन तीनों ही जगह से क्या निकलता है, आपका वेस्ट वाटर निकलता है। फिर आता है, एक सेप्टिक टैंक के तल के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, विशाल कंक्रीट, ये बोल रहे हैं हैवी वेट कंक्रीट, नहीं, हैवी कंक्रीट यूज़ नहीं होती। फिर है सेकंड, मिट्टी आधारित, सेप्टिक टैंक मिट्टी का भी नहीं रखते हैं हम लोग। हल्के वजन की कंक्रीट, ये भी नहीं होती। तो इसके लिए, तल के लिए क्या रखते हैं? RCC, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो ये क्या था हमारा, एक सेप्टिक टैंक के तल के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। फिर रहता है आपका, पानी बाहर निकलता है जैसे ही फायर स्प्रिंकलर को सक्रिय किया जाता है, यह व्यवस्था किसकी है। तो देखिए, पानी बाहर निकलता है मतलब जैसे ही फायर स्प्रिंकल को सक्रिय किया जाता है वैसे ही क्या निकलता है, पानी निकलता है। यह व्यवस्था किसकी, आपकी आर्द्र पाइप की? नहीं। पूर्व क्रिया पाइप की, शुष्क पाइप की, या शुष्क एवं आर्द्र पाइप का संयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पूर्व क्रिया। जैसे ही हम फायर स्प्रिंकलर को जो है एक्टिवेट करते हैं तो भी क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, यह है क्या, पूर्व क्रिया। फिर आता है, रिसाव से बचने के लिए, रिसाव क्या, लीकेज, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्लम्बिंग है तो हमें पाइप से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है। रिसाव या लीकेज से बचाव के लिए थ्रेडेड पाइप कनेक्शंस में प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होता है। देखिए, आपको लीकेज से बचना है तो आप थ्रेडेड पाइप कनेक्शंस में क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट? नो, थ्रेडेड पाइप की बात हो रही है ये। फिटिंग? नो। प्लम्बिंग टेप? नो। टेफ्लॉन टेप? यस। क्या इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर 4, रिसाव से बचाव के लिए थ्रेडेड पाइप कनेक्शंस में टेफ्लॉन टेप का यूज़ किया जाता है। ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, ट्रैप के फिक्स्चर की तरफ एक पाइप जिसके माध्यम से एक रूम फिक्स्चर से वाष्प अथवा दूषित वायु को हटाता है, उसे देखिए, उसे क्या कहते हैं, लोकल वेंट। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं लोकल वेंट। ट्रैप के फिक्स्चर्स की तरफ एक पाइप जिसके माध्यम से एक रूम फिक्स्चर से वाष्प अथवा दूषित वायु हटाती है, उसको हम बोलते हैं लोकल वेंट। ना वो लूप वेंट होता है, ब्रांच वेंट नहीं, एंड ग्रूव वेंट नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, आप कैसे सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप के बीच अंतर करेंगे जब उन्हें साथ साथ बिछाया जाए। तो क्या गंद से? अब गंद थोड़े ना आप वहाँ पे स्मेल करने जाएंगे, नहीं। डायामीटर से? नहीं। रंग से? नहीं। तो वो किससे होगा? पदार्थ से, मटेरियल से हम अंतर करते हैं सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप के बीच में जब उन्हें एक साथ बिछाया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जब एक वेंट जो एक नाली के समान भी सेवा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलीफ वेंट? नो।
सुस्क्वेंट ये भी नहीं, स्टैक्वेंट नो, उसे कहते हैं हम आर्द्र वेंट, क्या जो एक नाली की तरह भी सेवा प्रदान करता है उसे कहते हैं आर्द्र वेंट। फिर है आंतरिक रूप से थ्रेडेड पाइप का एक खंड, कंड्यूट के दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। आंतरिक रूप से थ्रेडेड पाइप का एक खंड कंड्यूट के दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या निप्पल कहते हैं? नो, कॉन्क्लिक नहीं, ट्रेड नहीं, उसे कहते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं? जो थ्रेडेड पाइप का एक खंड होता है इंटरनली, वो कंड्यूट के दो पाइपों को जोड़ने के लिए उसे यूज़ किया है, उसे करते हैं कहते हैं हम कपलिंग। फिर आता है आपका पीवीसी पाइप निम्न में से बना होता है। अच्छा, पीवीसी पाइप आपने पढ़ा, जब आपने टाइप ऑफ पाइप पढ़े थे तब आपको बताया गया था कि पीवीसी पाइप जो होता है वो कैसे बना हुआ था, किस मटेरियल का होता है। क्या वो तांबे का होता है? नहीं, गलत। क्या वो प्लास्टिक का होता है? इस पे आगे विचार करेंगे। क्या वो स्टील का होता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पीवीसी पाइप जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। फिर आता है आपका अधिकतम शोल्डर धातुएं निम्न की मिश्र धातुएं होती हैं। किसकी होती हैं? अधिकतम शोल्डर धातुएं निम्न की मिश्र धातु होती है। टिन की? नो, टिन एवं लेड राइट आंसर है। ये खाली लेड नहीं होता, तांबा ये भी नहीं होता। जो शोल्डर धातुएं होती हैं वो टिन एवं लेड की मिश्र धातुएं होती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फिर पूछा गया है आंतरिक दाब के उपयोग के माध्यम से संचलन अथवा पृथक होने से बचाव के लिए वस्तुओं को एक साथ कसकर पकड़ने अथवा सुरक्षित करने का एक फास्टनिंग उपकरण है। तो देखिए, क्या वो नट है? नो, क्या वो क्लैंप है? यस, वो बोल्ट भी नहीं है और वो स्क्रू भी नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिर है सीवर लाइन से अपशिष्ट जल संवहन करने वाले वेस्ट पाइपों से कॉकरोच तथा अन्य कीड़ों के प्रवेश से बचाव कर सकता है। तो वो क्या होता है? देखिए आपका बेंट स्टॉक नहीं, वो होता है आपका गली ट्रैप, गुली नहीं गली ट्रैप, ये आपने पढ़ा था। सॉइल पाइप क्या होता है आपका? जो आपका स्टार्टर पाइप होता है। तो गली ट्रैप क्या होता है? ये सीवर लाइन से जो अपशिष्ट जल संवहन करने वाले वेस्ट पाइप होते हैं उनसे कॉकरोच और अन्य कीड़ों का प्रवेश से बचाव कर सकता है। उसका क्या वर्क रहता है आपका गली ट्रैप का? कि जो स्मेल होती है और बाहर के जो अवशिष्ट होते हैं सीवर लाइन के, वो घर के पाइप्स में अंदर आने नहीं देता, कीड़े वगैरह। ठीक, फिर आता है 13, सीवर पाइपों के जांच के लिए निम्नलिखित जांचों में कौन सी एक प्रयुक्त होती है? वाटर जांच, ये भी करते हैं, मिरर जांच, ये भी आपने पढ़ी थी, और बॉल जांच। इसमें क्या होता है? धातु की बॉल जो है वो फेंक दी जाती है, ठीक, जिससे सीवर क्या होता है आपका चल, वो धातु की पाइपें उसमें चलती रहती हैं और इससे सीवर का आपकी ट्रैक होती रहती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी? सीवर पाइप की जांच के लिए यूज़ की जाती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर था ये सारे जो होते हैं ये सीवर पाइपों की जांच के लिए होते हैं टेस्ट। फिर है आपका वह सिस्टम जिसमें एक इमारत से दूषित सॉयल अपशिष्ट के साथ गैर दूषित अपशिष्ट दोनों ही एकत्र दोनों को ही एकत्र करने के लिए केवल एक पाइप ही प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा है? देखिए, वन पाइप सिस्टम एंड टू पाइप सिस्टम, ये दोनों किसके लिए होते हैं? एक इमारत से दूषित सॉयल अपशिष्ट के साथ गैर दूषित अपशिष्ट दोनों ही एकत्र करने के लिए एक ही पाइप यूज़ होता है। इसमें वन पाइप सिस्टम में और टू पाइप सिस्टम में। फिर आता है ह्यूमन एक्सक्रेटा, जिसे आप कह सकते हैं ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन की बॉडी से निकलता है, को एकत्रित करने के लिए बनी व्यवस्था को कहा जाता है।
उसे कहा जाता है ट्रैप। नहीं, इसका तो दूसरा रोल रहता है, सीवर लाइन्स की गंदगी वगैरह जो थी वो घर में ना आए, उनका यूज़ रहता है। सेसपुल नो, उसे बोलते हैं प्रिवी। ठीक, वेंट पाइप नहीं, ये वेंट पाइप भी नहीं होता, इसको बोलते हैं हम प्रिवी। तो आज की क्लासेस में इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।